कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। नमस्कार, मैं रजनी चंद्रा एक बार फिर तलाक क्यों में आप सब दर्शकों का स्वागत करती हूं। इस बार हम आपके सामने एक बड़ी ही मार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। इस कहानी में वैवाहिक जीवन में आई हुई दरार ही नहीं है, बल्कि वो दर्द भी है जो उनके माँ बाप की जिंदगी में भर गया है। बच्चे जब भटक जाते हैं तो उसकी तकलीफ उनके माँ बाप को उठानी पड़ती है। शोभा, जल्दी करो, डाइनिंग टेबल पर मुझे इंतजार करना बहुत खलता है, देर हो रही है मुझे। और हाँ, हमारी लाली बिटिया कहाँ है? उठी नहीं अब तक? उसका बस चले तो दोपहर तक सोती रहेगी। आप कुछ समझाते क्यों नहीं उसे? इतना सर चढ़ाना भी ठीक नहीं है। कल उठ के दूसरे के घर जाएगी तो हमारी नाक ही कट जाएगी ना। कि बेटे को लाड़ प्यार से बिगाड़ तो दिया है, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं दिया माँ बाप ने। शोभा, अमीरों की बेटियां ना संस्कार नहीं, धन कार लेकर जाती यानी धन और दौलत से भरी हुई कार, और उसके बाद ना तो उन्हें किसी के लिए खाना बनाने की जरूरत है और ना ही किसी के पैर दबाने की। हमारी बेटी राज करेगी, राज। हाय डैड, गुड मॉर्निंग मामा। भाई सुबह सुबह किसके राज करने की बात हो रही है? तुम्हारे, जब तुम शादी के बाद जाओगी तो। No ways, Dad. I'm not going anywhere. मैं कहीं नहीं जा रही। क्या मतलब? तुम शादी नहीं करोगे क्या? कॉलेज कंप्लीट कर लिया है तुमने, अब क्या जिंदगी भर पार्टी और दोस्तों के साथ डिस्को में घूमती रहोगी? हाँ, कोई प्रॉब्लम है आपको मामा? देखा कैसे जवाब दिया इसने। अरे भाई, बच्ची है अभी वो। इतनी बड़ी लड़की को बच्ची मानते रहोगे ना, एक दिन ऐसा आएगा इससे शादी करने के लिए कोई अधेड़ आदमी को ढूंढना पड़ेगा। 20 साल क्रॉस कर चुकी है, अब भी वक्त है कोई अच्छा सा लड़का देखकर हाथ पीले कर दीजिए इसके। ओके मामा, जस्ट रिलैक्स। मेरी शादी की इतनी ही फिक्र है आप लोगों को, तो ठीक है ना, मेरे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढ दीजिए जो मेरे से शादी करके मेरे घर में रहे। मैं कहीं नहीं जा रही। क्या तो क्या कह रही है? तुझे एहसास भी है? अंतरा ठीक कह रही है भाई, हमारे पास किस चीज की कमी? धन दौलत बंगला सब कुछ तो है, फिर मैं अपनी बेटी को अपने से दूर क्यों भेजूं? समाज के कुछ नियम भी होते हैं, उसकी परवाह है आपको? समाज के नियमों में घर जमाई रखने का भी चलन शामिल है शोभा। मैं अपनी बेटी को अपने से दूर क्यों भेजूं जब मैं हिम्मत रखता हूँ घर जमाई रखने की? That's like my father. You're so sweet, Papa. I love you, Dad. Love you too. Well, आप दोनों बहस करते रहिए, मुझे तो जाना है। I'm really getting late. Papa, जरा एक 10,000 का चेक दीजिए ना मेरे को। हाँ, sure. 10,000? लेकिन क्यों? शोभा, जब मैं मना नहीं कर रहा हूँ तो तुम क्यों सवाल कर रही हो? देखो, कमाता हूँ, मेरी बेटी है, जब तक चाहेगा दूंगा। अमाउंट खुद भरेगा जितना चाहे। Thank you so much, Papa. You're a sweetheart. Bye, Papa. Mom, just relax. Bye. Bye, bye. बहुत गलती कर रहे हैं आप। आप एक ऐसी भूल कर रहे हैं जिसका एहसास तक नहीं है आपको। मेरी बेटी की मुस्कुराहट बेशकीमती, पैसे की कोई अहमियत नहीं है उसके लिए। और वैसे भी देखो, जब अंतरा शादी के बाद यहीं रहने वाली है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चलता हूँ मैं। घर जमाई बनने के लिए कोई तैयार होगा तब ना? यही तुम्हारी भूल, मेरी बेटी के लिए एक नहीं 1,000 लड़के घर जमाई बनने को तैयार, क्योंकि वो मेरी बेटी है, हिरेन शाह की बेटी।
लेकिन उन हजार में से वो एक कौन होगा जो अंतरा के सारे नखरे चुपचाप सह लेगा? यही सोचना है कि वो एक कौन होगा। ये अखबार में ढूंढने से नौकरियां नहीं मिलती है बेटे, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक साल से यही तो कर रहा हूँ पिताजी, और कर क्या रहा हूँ? नौकरी का क्या है, जब मिलेगी तब मिल जाएगी। वैसे आप अपने ऑफिस में मानिक के लिए किसी से बात क्यों नहीं करते? अरे भाई, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में एक अकाउंटेंट की बात कौन सुनता है। मैंने मैनेजर से बात की थी लेकिन उसने कुछ खास जवाब नहीं दिया। एक बार मानिक को नौकरी मिल जाए फिर जल्दी से मैं इस घर में बहू लेकर आऊंगी। और तुम आराम से बैठोगी और बहू तुम्हारी सेवा करेगी। हाँ। अच्छा है। उसमें गलत क्या है? हर माँ चाहती है कि उसका बेटा शादी करे और एक प्यारी सी बहू लेकर आए और फिर उसके गोदी में एक चान सा होता। समझ गया था। अब देखो भाई, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं चौड़ा होकर बैठू, आवाज लगाऊ, बहू जरा एक कप गर्मा गर्म चाय लाना, और हाँ वो गर्मा गर्म पकौड़े भी। अब यही बैठे बैठे ख्याली पकौड़े खाओगे या ऑफिस में जाकर डांट भी खाओगे? अरे देर हुई। संभल के, मैं चलता हूँ। देखा माँ, पिताजी भी। लो नाश्ता कर लो। क्यों अपने बेरोजगार बेटे पर इतना अनाज पेश करती थी? खबरदार, फिर मुंह से ऐसी बात निकाल ली तू। तू जानता नहीं, माँ बाप को बच्चों का पालन पोषण कभी भारी नहीं होता है, क्योंकि हर औलादे माँ बाप के लिए दिल का टुकड़ा होते हैं। और बेटा नौकरी का क्या है, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। अरे तुम्हारे पापा तो ये लंच बॉक्स लेना ही भूल गए, ऑफिस में देख कर आना। अरे पहले खा तो ले। बस मां मैं खा। अरे कमाल करते हो। हेलो सर। हेलो, तुम मिस्टर रविंद्र पटेल के बेटे हो? जी सर। अच्छा। वो पिताजी टिफिन भूल गए थे, सो मैं देने आया। नाम क्या है तुम्हारा? मानिक, मानिक पटेल। नाइस नेम। और मानिक, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये मेरा बेटा है। अभी बताया, मानिक जी। पिताजी वो आप टिफिन भूल गए थे। अच्छा अच्छा, थैंक यू बेटा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। गुड बाय सर। गुड बाय एंड गुड लक। थैंक यू सर। मिस्टर पटेल। जी सर। आप जरा मेरे केबिन में आएंगे? जी मैं ये रख के आता हूँ। मैं इंतजार करूंगा। जी मैं आई कबिन सर। हाँ आइए, बैठिए बैठिए प्लीज। बैठिए। नहीं ठीक है सर। मिस्टर पटेल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी थैंक यू सर। हमारे मैनेजर मिस्टर मेहरा बता रहे थे कि आपका बेटा नौकरी ढूंढ रहा है। जी हाँ सर, मेरा बेटा बहुत मेहनती और ईमानदार है सर। अगर आप उसे एक मौका दें सर तो बड़ी मेहनत से और ईमानदारी से काम करेगा और आपको कभी भी मतलब कि। मिस्टर पटेल, मैं आपके बेटे को नौकरी नहीं दे रहा हूँ, मैं उसे कुछ और देना चाहता हूँ। लेकिन फिलहाल तो सर मेरे बेटे को एक नौकरी की जरूरत है सर। मिस्टर पटेल, इंसान नौकरी किस लिए करता है? पैसे के लिए, पैसा, जिससे वो अपनी जिंदगी के सारे ऐशो आराम खरीद सकता है। और अगर उसे ये सब ऐशो आराम बिना काम किए मिल जाए तो नौकरी की क्या जरूरत है? मैं समझा नहीं सर। समझाता हूँ।
देखो, तुम हमारी कंपनी में पिछले 8 साल से अकाउंटेंट का काम कर रहे हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जी सर, आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं सर। आप तो जानते हैं सर, मैंने कभी किसी तरह की कोई गलती या मतलब वैसे कुछ। मिस्टर पटेल, मैं तुम्हारी ईमानदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने यकीन की बात कर रहा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से शादी करके बहुत खुश रहेगी। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं वही कह रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। मैं अपनी बेटी अंतरा की शादी तुम्हारे बेटे मानिक के साथ करना चाहता हूं। लेकिन मेरे कानों पे यकीन नहीं हो रहा है सर। यकीन करो मिस्टर पटेल, यकीन करो, जो मैंने कहा है तुमने ठीक सुना। अब ये बताओ कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? मंजूर है सर, बिल्कुल मंजूर है सर। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है सर कि इतने बड़े घर की बेटी हमारे घर में बहू बनकर आएगी। सर, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी बेटी बहू बनकर तुम्हारे घर जाएगी, मैंने तो सिर्फ शादी की बात की। जी, मैं समझा नहीं सर। मिस्टर पटेल, समझने में बहुत ज्यादा वक्त लगाते हो। मैं अपनी बेटी के लिए आपके बेटे का रिश्ता मांग रहा हूँ, और इस शर्त पर कि तुम्हारा बेटा शादी के बाद मेरे घर पर मेरा घर जमाई बनकर आए। तुम जानते हो कि अंतरा मेरी इकलौती बेटी? सर, शायद आप नहीं जानते कि माणिक भी हमारा इकलौता बेटा है। देखो, मैं तुम्हारा सहारा छीन नहीं रहा, उसे थोड़ा सा दूर कर रहा हूं। जरा सोचो, शादी के बाद उसे ऐसी ऐश आराम की जिंदगी मिलेगी, उसे जिंदगी भर काम करने की जरूरत ही नहीं हो। उसके बगैर हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी? आई एम सॉरी सर, मुझे आपका ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जल्दबाजी में किए गए फैसले गलत होते हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं, आप कल तक मुझे सोचकर बता दीजिए। इस फैसले के लिए मुझे वक्त की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कह दिया मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हाँ, आपने मेरे बेटे को अपना दामाद बनाने के काबिल समझा, उसे इज्जत बख्शी, वही हमारे लिए बहुत ज्यादा है। थैंक यू सर, मैं चलता हूँ। मिडिल क्लास में घर आई हुई लक्ष्मी की सूरत नहीं पहचानती, और जिंदगी भर अपनी गरीबी पर आंसू बहाते रहते। नॉनसेंस। यार माणिक्य, तुम रोज घर से निकलते हो नौकरी ढूंढने के लिए और यहां आकर बैठ जाते हो। तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं यार, मैं तो सिर्फ यूं ही एक बात कह रहा था। नीरज, यूं ही कोई कुछ नहीं कहता और ना ही कुछ करता है। तेरे कहने के पीछे एक वजह है, तो मेरे यूं बिहेव करने के पीछे भी एक रीजन है। तो दोस्त होने के नाते पूछ सकता हूँ कि वो रीजन क्या है? यार, मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक फाइलों के पीछे ऑफिस में बैठा रहूं और एक मुट्ठी भर कमाई से अपनी जिंदगी को सेटिस्फाई कर लूं। ये मुझसे नहीं हो सकता। तो तू चाहता क्या है? ना तो तेरे पास इतना पैसा है कि तू कोई अपना बिजनेस शुरू करे, और ना ही तेरे कोई लॉटरी लगने वाली है। इसके अलावा सिर्फ एक रास्ता है पैसा कमाने का, कि किसी और की फाइल में सिर घुसा कर महीने भर काम करो, बस। नहीं नीरज, जब मुकद्दर मेहरबान होता है ना, तो रास्ते अपने आप सामने आ जाते हैं। ऐसे रास्ते जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और मुझे पूरा यकीन है ऐसा कोई ना कोई रास्ता मेरे सामने भी जरूर। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताओ रत्ना, ये खुशी भी कभी कभी ऐसे नकाब पहनकर आती है कि उसकी शक्ल देखकर डर लगने लगता है। आप क्या कह रहे, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसे खुशखबरी की तरह सुनाऊं या बुरी खबर की तरह? आप मुझे क्यों डरा रहे हो, साफ साफ बता क्यों नहीं देते? हमारी कंपनी का मालिक धीरेन शाह अपनी बेटी अंतरा की शादी हमारे माणिक से करना चाहता है। ये तो वाकई खुशखबरी है। पहले पहले सुनकर मुझे भी ऐसा लगा था कि खुशखबरी है, लेकिन बाद में ये खबर दुख में बदल गई। क्यों? वो हमारे माणिक को घर जमाई बनाना चाहता है, लेकिन मैंने मना कर दिया। हाँ,
हमारा बेटा और घर जमाई, ये आपने बिल्कुल अच्छा किया इनकार करके। पिताजी कम से कम आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था। अरे ये कैसी बातें कर रहा है, अपनी इकलौती औलाद को मैं उनके हवाले कर देता क्या? पर तुझे शर्म नहीं आएगी किसी का घर जमाई बनते हुए? किसी का क्यों माँ, किसी अमीर आदमी का घर जमाई कहिए, शर्म तो मुझे आती है अपने फटे पुराने जूते पहनते हुए, घिसी पिटी कमीजे पहन के ऑफिसों के चक्कर काटते हुए। तंग आ गया हूँ मैं इस बेरोजगारी से, गरीबी से। तुम्हें अपने माँ बाप का भी ख्याल नहीं जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, उन्हें छोड़कर तू किसी और के घर में जाकर रह लेगा? वो घर इस घर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है माँ, और मैं किसी दूसरी दुनिया में नहीं जा रहा कि लौट कर वापस ना आ सकूं। ये क्या कह रहा है तू, आखिर तू चाहता क्या है? मैं अंतरा से शादी करना चाहता हूँ, धीरेन शाह का घर जमाई बनना चाहता हूँ। तू धीरेन शाह का घर जमाई बनना चाहता है? तो इसमें गलत क्या है पिताजी? घर जमाई बनने का मतलब ये तो नहीं कि मैं उनकी औलाद हो जाऊंगा, रहूंगा तो आप ही का बेटा ना। अरे लानत है, लानत है ऐसे बेटे पर जो थोड़े से पैसों के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो गया और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसी दिन के लिए तुझे हमने इतना पढ़ाया लिखाया था। तो फिर किस दिन के लिए आपने मुझे पढ़ाया था, ताकि मैं कमा कर लाऊं और इस घर को चला सकूं? पिताजी वो तो मैं फिर भी कर सकता हूं और नौकरी करने से बेहतर कर सकता हूं। तो हमें इतना गिरा हुआ समझता है कि हम तेरे ससुर की कमाई पर जिंदा रहेंगे? आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? बस बस सब कुछ समझ गया, तू घर जमाई बनना चाहता ना, जा शौक से बन जा, मैंने तुझे माँ बाप के फंस से मुक्त कर दिया। क्या कह रहे हैं आप? तुम चुप रहो, चुप रहो तुम। अब अगर ये घर में रहना चाहे तो भी मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। मैं भी धीरेन शाह को फोन करके कह देता हूं कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हेलो सर, मैं रविंद्र पटेल बोल रहा हूँ। आप चाहते थे ना कि माणिक आपकी बेटी से शादी करे और आपका घर जवाई बन जाए? मैं चाहता था, नहीं अभी भी चाहता हूँ। बोलो तुम्हें मंजूर? सर अगर मुझे मंजूर होता तो मैं पहले ही हाँ कह देता, ये तो माणिक की मर्जी है, वो आपका घर जवाई बनना चाहता है। माणिक तैयार है? भाई ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक। मुबारकबाद भी आप माणिक को ही दीजिए सर, क्योंकि जिंदगी तो उसकी ही बदलने वाली है। कट। कितने अरमान थे मेरे कि अपने हाथों से सजाकर अपनी बेटी को विदा करूं, लेकिन आपने शोभा कैसी अजीब सी बात कर रही हो। मैं तुम्हारी बेटी का जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने का इंतजाम कर रहा हूं और तुम उसकी विदाई की बात कर रही हो, व्हाट इज दिस? एक सुख के लिए न जाने आपने कितने अनदेखे दुख मोल ले लिए। हाय डैड। मामा। हाय, कैसी रही पार्टी? हां ओह इट वाज अमेजिंग पापा, बहुत मजा आया। आपको पता है मेरी फ्रेंड ने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए पूरा रॉक बैंड बुक किया था। गुड पापा, इस साल मेरे बर्थडे पे भी हमें बहुत पॉपुलर से ग्रुप को बुलाएंगे। बिल्कुल बुलवाएंगे, लेकिन बर्थडे पार्टी में नहीं, रिसेप्शन पार्टी। रिसेप्शन? कैसी रिसेप्शन? तुम्हारी शादी का। व्हाट? तुम्हारी शादी भी यही होगी, रिसेप्शन भी यही होगा, और तुम हमेशा के लिए अपने पति के साथ इसी घर में रहोगे। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक घर जमाई ढूंढ लिया है। मिलना चाहोगी उससे? ओह नो नीड पापा, हैंडसम होना चाहिए, पढ़ा लिखा भी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पापा, वो मेरी सारी बातें मानेगा ना। मैंने बिल्कुल ऐसे लड़का तुम्हारे लिए ढूंढा। देखो उसका बाप मेरा एम्प्लॉई है, जब वो मेरे सामने सर झुकाए खड़ा रहता है तो उसका बेटा तुम्हारे सामने सर झुका के क्यों नहीं खड़ा रहेगा? पॉइंट। बेटी की शादी करवा रहे हो या इसके लिए कोई ड्राइवर ढूंढ रहे हो? मामा मुझे तो जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर जैसा हस्बैंड ही चाहिए, देन आई एम श्योर टू हैव नो प्रॉब्लम्स। तो मेरी तरफ से हाँ है, करते हैं फिर, चेक मंगनी और पट गया। और वही हुआ, चट मंगनी फट गया।
माणिक के माँ बाप बेचारे शादी में हाथ बांधे खड़े रहे, उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। उनका इकलौता बेटा एक अमीर आदमी का घर जवाई बन गया। माणिक को दौलत का सुख मिल भी जाए मगर उसे उसकी कीमत अपने स्वाभिमान से चुकानी पड़ेगी। ये बात उसे शादी की पहली रात में ही समझ आने लगी थी। Yes! शादी मुबारक हो यार अंता, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब हम दोस्तों का क्या होगा? Now you are a married woman. Don't worry, Vikas. मैं बदलने वाली नहीं हूँ। I'll just be the same. My dear दूल्हे राजा, अंतरा तो नहीं बदलेगी बट तुम्हें जरूर बदलना होगा। ये लो, ये जान से शुरुआत कर दो। Take it यार, take it. No thanks. मैं ड्रिंक नहीं करता। What? तुम ड्रिंक नहीं करते? यार अंतरा, ये माशा ड्रिंक नहीं करते। फिर तुम्हें कंपनी कैसे देंगे? कंपनी के लिए ड्रिंक करना कोई जरूरी तो नहीं। जरूरी है मानिक, अगर हाई सोसाइटी एंटर करनी है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। इट्स बेटर अगर तुम अपने मिडिल क्लास वैल्यूज पीछे छोड़ कर आओ। यू अंडरस्टैंड मी? कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।